हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज से हम लोग हिंदी में भी लेक्चर देख सकते हैं, और जिसको हिंदी में देखना है हिंदी में देखे, जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझे। तो इसीलिए मैं चालू कर रहा हूँ मैथ का क्लास 7th का इंटीजर। इसके पहले हम लोग बहुत सारे नंबर हैं जो कि प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओके, स्टार्टिंग ऑफ नंबर। लेकिन हम एक बार और रिवाइज करवा देंगे यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला वीडियो है बिगनिंग ऑफ मैथ, तो उसमें हम लोग नंबर के बारे में बात किए थे कि आखिर में नंबर आता कहाँ से है। नंबर 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 हम लोग तो बोल देते हैं, लेकिन ये नंबर आता कहाँ से है, मैथ क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि पढ़ाई का एक पर्पस होता है। पहले तो ये जानना होता है कि आखिर में हम लोग मैथ पढ़ते क्यों हैं, आया कहाँ से, ओके, इसका मकसद क्या है। तो अगर हम बात करें नंबर की, तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। कुछ चीज़ें हैं जो कि नाम से ही वो बता देती हैं कि वो कहाँ से आई हुई हैं। तो जैसे वो नेचुरल नंबर कहता है, और नेचुरल वर्ड हम लोग बहुत सुन चुके हैं, ठीक है, या नेचुरल नहीं सुने हुए हैं तो नेचुरल से रिलेटेड वर्ड सुने हैं, जैसे नेचर हो गया, ठीक है, जिसको प्रकृति बोलते हैं। और जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर का मतलब जो खुद से बनी हुई चीज़ें होती हैं, मतलब अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर के द्वारा जो भी प्रदत्त चीज़ें हैं, जो भी ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, तो हम लोग कहते हैं ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस। तो वैसे ही जब नंबर की बात करते हैं तो ये भी ईश्वर के द्वारा दी गई होंगे, रिलेट कराया गया होगा। तो वैसे ही जब नेचुरल नंबर की हम लोग बात करते हैं तो ये कहने का मतलब यही है कि नेचर के द्वारा दी गई नंबर है, ठीक है। तो नेचर के द्वारा कैसे नंबर मिला हुआ हमको, तो हम देखते हैं कि काउंटिंग जो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे फिंगर से होता है, उंगलियों से होता है। अब उंगलियों से कैसे होता है, तो अब जिसने भी मैथ बनाया होगा तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो काउंटिंग वो नंबर से उंगलियों से स्टार्ट किए। तो उंगलियों से स्टार्ट करने का मतलब हम लोग के पास ऐसे अगर देखे तो 5 और 5 10 फिंगर है, ठीक है। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी देखा होगा कि वहाँ पे भी 9 नंबर्स होते हैं, मोबाइल के कीपैड में भी देखा होगा 9 नंबर्स होंगे, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसमें 9 नंबर होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको जब हम लोग फिंगर की बात करते हैं तो फिंगर भी हमारे पास 10 होते हैं, लेकिन नंबर वहाँ पे 9 दिखाया गया। तो अब इसमें क्या है, सारे फिंगर तो एक जैसे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी चीज़ को, बड़े चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं, उसको छोटे फॉर्म में बनाते हैं कि वो आसान हो जाए। अगर हम एक देश की बात करें तो इंडिया, अब इंडिया तो है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेज हैं, सब है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर सिंबलाइज किया जाए कि ये स्पेसिफिक जो एरिया है ये इंडिया है, अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो दूसरी चीज़ है, लेकिन पहले स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये इंडिया है। तो वैसे ही जब हम फिंगर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंबलाइज किया जाता है। तो हमारे पास जैसे एक फिंगर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसको सिंबल दे दिया गया ऐसे, अब इसी को बोल दिया गया 1, ठीक है।
हिंदी में इस सिंबल अलग दे दिया गया, लेकिन अभी हम लोग CBSE पैटर्न देख रहे हैं, तो CBSE में हम लोग वन ऐसे बनाते हैं, हिंदी में वन अलग तरीके से बनाते हैं, और भी लैंग्वेज रोमन लैंग्वेज में वन अलग तरीके से बनाते हैं। अब पॉपुलरिटी इसका है तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग टू फिंगर को सो किए, अब टू फिंगर को सो किए तो इसके लिए सिम्बलाइज कर दिए ऐसे, अब जिसका नाम दे दिया गया टू, ठीक है। और हर लैंग्वेज में इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, पॉपुलर है ये तो इसकी वजह से हम लोग ब्रिटिश कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये नंबर सिम्बलाइज हो गया। थ्री फिंगर यूज़ किया तो इसको थ्री ऐसे सिम्बलाइज ऐसे ही, फोर फिंगर यूज़ किया तो इसको ऐसे सिम्बलाइज कर दिया गया, फाइव कर दिया गया तो ऐसे सिम्बलाइज कर दिया फाइव। अब ये सिंबल का फ़ायदा क्या होता है, तो हम ऐसे ही देखते हैं कि अगर कोई बोले हमें कि हमारे पास फाइव और फाइव रुपीज़ है, तो नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं ऐसे टेन, फाइव फाइव टेन रुपीज़ हो गया। और अगर हम लोग सिंबल ना यूज़ करके इस तरीके से यूज़ करें तो प्रॉब्लम क्या आता, प्रॉब्लम ये आता कि अगर हमको फाइव टाइम ऐसे लिखना पड़ता, सिंबलाइज करना होता, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, जो कि बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे काउंटिंग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा विवेक डेवलप हो जाता है, बुद्धि डेवलप होती है, तो हम लोग धीरे 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 हर चीज़ को सिस्टमेटिक करते जाते हैं। तो वहीं पे सिस्टम आया, अब ऐसे लिखते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हो रहा है, तो फ़ायदा ये है कि ईजी तो हो जाएगा, लेकिन नुकसान इसका बहुत है। नुकसान ये है, एक तो टाइम ले रहा है, समय ले रहा है लिखने में, अभी ये तो छोटे नंबर है इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अभी हमको 100 लिखना होता तो 100 टाइम हम लोग लाइन ड्रॉ करते, या 105 हमको ऐड करना होता तो 100 टाइम फिर 5 टाइम करके फिर ऐड करते, तो वो समय लेता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ें हैं तो उसको सिम्बलाइज कर देते हैं। आप किसी कंपनी का भी नाम देखते हैं तो वो पहले सिम्बलाइज होता है, कोई भी सिस्टम बनता है तो उसको सिंबल देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ठीक है। जैसे ये कोचिंग सेंटर है तो यहाँ पे पहले सिंबलाइज किया गया, नाम दिया गया कि आखिर में इसका नाम क्या हो सकता, तो नाम रख दिया गया एस एक्सपेरिमेंट। अब एस एक्सपेरिमेंट के अंदर टीचर हैं, एस एक्सपेरिमेंट के अंदर चेयर है, एस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑफिस है, तो एस एक्सपेरिमेंट के अंदर सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बात करें एस एक्सपेरिमेंट, तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटर होगा जहाँ पे हमको एजुकेशन मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लोग सिम्बलाइज का फॉर्म सिम्बलाइज क्रिएट करते हैं, तो करने का यही मेरा हम लोग का मकसद होता है कि हम लोग किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कर दें, ठीक है। तो इसीलिए ये सिंबल अब यहाँ पे काम में आने लगे। अब इसको हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट एक सिंबल दिखा दिए जिसको बोलते हैं फाइव, फिर दूसरा दे दिया फाइव, अब डायरेक्ट हमको पता चल गया कि ये दोनों सिंबल है, इसका हो जाता है ये सिंबल यानी टेन। अब इसमें लिखने में इसमें लिखने में हमको फ़ायदा क्या हो गया, एक तो इसमें टाइम कम लगा, ठीक है। अब किसी से पूछा जाए फाइव प्लस फाइव तो वो बता देगा टेन। अगर ये सिंबल नहीं होते, डायरेक्ट एक जैसे सिंबल होते, तो वो हमको समझने में प्रॉब्लम होती, प्रोसेस करने में दिक्कत होती, ठीक है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग की थिंकिंग प्रोसेस होती है, बहुत सारे सोच हैं। अब पर्टिकुलर एक चीज़ पे ही काम करना होता तो ये आसान होता, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर एक चीज़ पे काम नहीं करते। जैसे कंप्यूटर काम करता है 0-1 के फॉर्म में, मतलब हम कुछ भी लिखें वो 0-1 ही समझेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स या किसी भी जो भी सोच समझ सकता है उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि वो हर चीज़ों को हर तरीके से सोचता है। लेकिन मशीन की बात करें तो मशीन समझ सकता है, क्योंकि मशीन को एक ही चीज़ें आती हैं, अब वो वही काम करेगा, लेकिन हमको तो बहुत सारे काम करने हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो गया, और इसी को बाद में इसका नाम दे दिया गया
क्या? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नेचर से रिलेट कराया गया और नेचर से मिला, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, बुक्स में हम देखें तो ये कहा जाता है कि वन के बाद जितने नंबर है सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन हम लोग ऐसे देखते हैं अगर नेच तो हमारे पास नंबर तो 1 to 9 ही होता है। ठीक है, अब 1 to 9 हमको 12 लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे फिर 2 लिख देंगे, 12 हो जाएगा। 12 भी नेचुरल नंबर है लेकिन नंबर हमारे पास क्या होता है, 1 to 9 ही होता है, लेकिन 1 to infinite बुक में है तो 1 to infinite चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग करने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व किया, हमको जीरो कहीं नहीं दिखा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर बनाया तो हमको जीरो तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे पर्टिकुलर नंबर को हम लोग क्या बोल दिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जीरो नहीं दिख रहा है तो जीरो क्या हुआ, बाद में आर्यभट्ट थे जो इंडियन मैथमेटिशियन बोलिए या जो भी बोलिए, तो उन्होंने कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, एक ऐसा सिंबल क्रिएट किया जिसको जीरो बोलते हैं। अगर इस जीरो की हम लोग बात करें तो ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और जो चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे ख़त्म हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये पूरा हो गया। अगर हम बात करें कि जाओ पूरे इंडिया का चक्कर लगा के आओ, तो अगर हम लोग यहाँ से वाराणसी से स्टार्ट करते हैं और घूम के वाराणसी में आ जाए तो ये हो जाएगा कि कंप्लीट एक राउंड हम लोग लगा लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, इसी को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल, होल मतलब हिंदी में अगर देखें तो ये एक होल के जैसे भी दिख रहा है। हाँ, और ये क्या कर दिया, जैसे ही इसमें क्या इंक्लूड कर दिया, नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 to 9 या 1 to infinite। तो जीरो और नेचुरल नंबर को जैसे ही इंक्लूड किया ना तो एक नया नाम आ गया इसका, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहने का मतलब यही है कि जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल मतलब होता है पूरा, अब हमको नंबर की कोई ज़रूरत है नहीं। यानी ये दो चीज़ें हमको पता हो गई, नेचुरल नंबर और जीरो उसमें इंक्लूड कर दिया, तो अब ये हो गया कि नंबर का पूरा फॉर्म बन गया। अब इसके आगे क्या है, तो इसके आगे हम लोग ऑपरेशन देखते हैं नंबर पे। ऑपरेशन क्या मतलब होता है, मतलब जो नंबर को ऑपरेट करें, तो नंबर को ऑपरेट करने के लिए हम डंडे का यूज़ तो करेंगे नहीं, साइकिल का तो यूज़ करेंगे नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उस ऑपरेटर का। तो वो चार ऑपरेटर हैं, अभी फ़िलहाल तो 4 ही हैं, आगे चल के और भी हैं, तो अभी हम लोग बेसिकली 4 ऑपरेटर का यूज़ करते हैं थिंकिंग प्रोसेस के लिए। आगे चल के जब हम लोग कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे एंड और नॉर ये सारी चीज़ें हैं, वो भी ऑपरेटर हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल 4 ही पढ़ते हैं, कौन सा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये 4 सिंबल आ गए जिनका हम लोग काम देखते हैं। तो ये प्लस हो गया जिसका मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, इसको ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बचपन से हम जानते हैं, वैसे ही हम लोग जिसका मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसको यूज़ करेंगे। वैसे ही माइनस हो गया, जिसको सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन भी बोलेंगे माइनस भी बोलेंगे। वैसे ही ये क्या है, डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड मतलब तोड़ना होता है, मल्टीप्लाई में किसी चीज़ को क्या करना, रिपीट करना। माइनस का मतलब निकाल देना, प्लस का मतलब जोड़ देना। तो ये 4 ऑपरेटर हैं जो कि जब तक मैथ रहेगा तब तक ये ऑपरेटर काम आएंगे, उसमें और भी इंक्लूड होता जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी फ़िलहाल में
तो हमको यही जानना, जब बड़े क्लास में हम लोग जाएंगे तो हम लोग और भी ऑपरेटर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 ऑपरेटर हैं तो इनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग बचपन से नेचुरल नंबर का क्या करते आए हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बचपन से की है, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट ही होता है तो लोग सिखाते हैं कि 1 1 क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब इसका यूज़ क्या होता है रियल लाइफ में, इसका यूज़ क्या होता है, तो रियल लाइफ में हम लोग किसी सिचुएशन को अगर ऐड करने हैं, अभी यहाँ पे चेयर है, कोई कह दिया कि यहाँ पे 5 चेयर है, उधर 5 चेयर है, ठीक है, या हमारे पास मैंगो है, मैंगो का सीज़न चल रहा है ना, तो कोई कह दिया कि जाओ 12 मैंगो लेके आओ, ठीक है। ऐसे कोई क्वांटिटी में तो यहाँ पे नंबर, उसमें नंबर में मैंगो तो नहीं मिलता है, केजी के फॉर्म में मिलेगा, वेट के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कोई तुमसे कह दिया कि जाओ 12 मैंगो लेके आओ, तो क्या करोगे, 12 मैंगो ले सकते हो, किसी दुकानदार के, किसी के पास 2 होगा तो उसे 2 ले लिए, किसी के पास 3 होगा तो उसे 3 ले लिए, अब फिर ऐड करोगे तो देखोगे तो 12 हो जाएंगे ना। तो उन्हीं सब का जो रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं उन्हीं को ऐड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, मान लो कि उसी मैंगो को हम लोग क्या कर दें, 2 लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। 2 लोग हैं, 2 भाई बहन हैं, ठीक है, या फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड है, भाई बहन है, तो वहाँ तो इमोशन भी हम लोग देखेंगे, हाँ, कि अगले को बुरा ना लग जाए, और अगले को बुरा ना लग जाए तो हम जितना हम खाएंगे उतना अगले को देंगे, यही होता है ना। अब ये हो सकता है कि अगले की मर्जी, वो कहेगा लो एक खा लो, लेकिन नॉर्मली तो हम लोग यही देखते हैं कि बराबर बांटते हैं, तो वो जो इक्वल पार्ट में बांटना होता है उसी को डिवाइड कहते हैं, ठीक है। अगर इक्वल पार्ट में हम लोग बांट देंगे तो वो डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई क्या होता है, तो 12 मैंगो है उसी का 12 और पार्ट बनाते जाओ तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, 12 12 12 12 12, ठीक है। तो ये हम लोग बचपन से देखते आए हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, होल नंबर आता है, तो होल नंबर पे ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। 1 10 100 1000 10 1000 lakh 10 lakh crore 10 crore ऐसे चलता है ना, और 1 10 100 1000 10 1000 lakh 10 lakh crore ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम है, मतलब हमारे यहाँ चलता है। हिंदी में और जाओगे तो ये जो यहाँ से प्रॉपर चालू हुआ था वो क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, मतलब अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो बहुत दूर तक नंबर को, लेकिन अभी इंटरनेशनल हम लोग नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब जिस दिन इंडिया डेवलप हो जाएगा और जो प्रोसेस है, विश्वगुरु, अगर ऐसा होता है कि विश्वगुरु इंडिया बन जाएगा, तो जो इंडियन नंबर सिस्टम है या यहाँ के जो भी प्रोसेस है उसको दुनिया फॉलो करेगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम लोग उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।